दोस्तों जवान की दुबई में एडवांस बुकिंग खोल दी गई है। जवान का दुबई में बहुत बड़ा क्रेज देखने को मिल रहा है। लोगों की भीड़ थिएटर में जाने लग रही है। वही किंग पठान की तरह जवान से भी एक बार फिर इतिहास रचना चाहते हैं। दोस्तों जिस तरह से जवान को ऑडियंस का प्यार मिल रहा है वो होश उड़ा देगा, क्योंकि जवान शाहरुख खान के करियर की सबसे बड़ी फिल्म है, वही डायरेक्टर एटली की भी सबसे बड़ी फिल्म है। इसके अलावा दोस्तों जवान फिल्म रेड चिली प्रोडक्शन की भी अब तक की सबसे महंगी और बड़े बजट की फिल्म है। दोस्तों जवान के विजुअल इफेक्ट की बात करें तो कोई भी कमी नजर नहीं आती। जवान के एक्शन तो खतरनाक हैं, क्योंकि हॉलीवुड से एक्शन करने वाली टीम को लिया गया है। जवान पूरे 2 साल में बनकर तैयार हुई है। वही फिल्म को साउथ में भी अच्छी ओपनिंग मिलती नजर आ रही है। दोस्तों जवान ने हिंदी के साथ साथ तमिल में भी झंडे गाड़ दिए हैं। ये पहली बॉलीवुड फिल्म जिसको साउथ में भी काफी सपोर्ट मिल रहा है। थालापति विजय के फैंस जवान को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं और इसके लिए फैंस शोज भी रखे गए। दोस्तों जवान में पहली बार शाहरुख खान गंजे लुक में नजर आए हैं, जो देखने में काफी खतरनाक लगा है। कि जिस तरह से इसको लेकर किंग खान के फैंस और नॉर्मल ऑडियंस फिल्म को देखने के लिए तैयार है, इसे देखकर लग रहा है कि ये फिल्म शाहरुख खान के करियर की अब तक की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म। दोस्तों जवान अगर 1000 करोड़ की कमाई कर लेती है तो ऐसा पहली बार होगा कि एक ही एक्टर एक साल में लगातार 1000 करोड़ का कलेक्शन करेगा। प्रभास ने बाहुबली में 1000 करोड़ से ज्यादा कमाए, लेकिन दोबारा कभी उसकी 1000 करोड़ की फिल्म नहीं आई। लेकिन शाहरुख खान अगर जवान से ऐसा कर देंगे तो फिर ये रिकॉर्ड तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। बाकी आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि क्या जवान भी 1000 करने में कामयाब होगी। जवान कितना कलेक्शन करेगा जरूर बताना और सब्सक्राइब भी कर लेना।